और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर हादसे में रईसी की मौत की खबर सामने आ रही है। शुरुआती रिपोर्ट में रईसी की मौत की खबर है। हादसे वाली जगह हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है। क्रैश के बाद रईसी का हेलीकॉप्टर राख हो गया। ईरान के विदेश मंत्री की मौत की खबर, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर ईरान के विदेश मंत्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। और अब इस बीच बड़ा अपडेट, जहां पर तलाश की गई हेलीकॉप्टर की और वहां पर मलबे के अलावा कुछ नहीं मिला, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तो रईसी नहीं मिले हैं, उनके मौत की खबर सामने आ रही, क्योंकि ये पूरा हादसा जहां हुआ वहां मलबा है और कोई नहीं बचा जो भी हेलीकॉप्टर में सवार था। तो ये बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर, जहां पर ईरान के रईसी की मौत हो गई, वहीं आपको बताएं ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत की खबर निकलकर सामने आ रही, क्योंकि वो भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो आज का हादसा ईरान के लिए बेहद दुखद। हालांकि सर्चिंग लगातार जारी थी, लेकिन जब मलबा मिला तो वहां पर कोई जीवित नहीं था और सिर्फ राख वहां से बरामद की गई है। तो ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत हुई है, वहीं रईसी की मौत की खबर। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इस हादसे में कोई नहीं बचा है। शुरुआती रिपोर्ट में रईसी की मौत की खबर है। हादसे वाली जगह हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है सिर्फ। क्रैश के बाद पूरा हेलीकॉप्टर राख हो गया है। तो अब ये हेलीकॉप्टर क्रैश के क्या कारण थे, इस विषय पर भी जांच पड़ताल की जाएगी। ये कोई साजिश थी या हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति की इसमें जान चली गई है और विदेश मंत्री की भी मौत।